Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the applications of the AC potentiometer, also the error in the coordinate type of potentiometer. As we know, we have studied on the earlier term that coordinate type of potentiometer is a potentiometer that measure the voltage and phase. The voltage is measured in the in phase potentiometer and quadrature potentiometer. That are means ki the in phase potentiometer voltage V1 is proportional to the is in the direction of the current I, and V1 are in the same direction, and the current V2 is 90 degree about the V1. So in this manner we measure the V1 and V2, and finally the V is calculated by under root V1 square and V2 square, by which we can calculate the V. Also the theta is calculated, the tan theta is equal to V2 upon V1 by this circuit. So that we have studied in the last term. Today we are seeing that which type of errors are occur in such type of coordinate potentiometers. The error may occur due to the first slight differences in the reading of the reflecting dynamometer instrument on the AC as compared with the reading on DC. तो जो हमारा डायनोमीटर हम इसमें यूज करते हैं अमीटर, ये जो हमारी रीडिंग रीड कर रहा है, इसी रीडिंग को हम वोल्ट डीसी वोल्ट मीटर से मेजर करें तो डीसी मीटर से मेजर करें तो उन दोनों में देयर मे बी सम एरर. Such error may cause the standard current value on AC to be slightly incorrect. कि जो AC की थोड़ी सी value है वो हमारे actual value से little bit incorrect हो सकती है. दूसरा तरीका जो है, second is the mutual inductance between the various part of the circuit. क्योंकि सर्किट में बहुत सारे पार्ट हैं, एन एरर इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम वुड कॉज द करंट इन द क्वाड्रेचर स्लाइड वायर सर्किट टू बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू. एज वी डिस्कस द करंट शुड बी सेम इन बोथ द इन फेज और क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर, बट मेनी टाइम देयर कैन बी डिफरेंस एज वी स्टडी ड्यू टू द एरर. तो इसमें क्या है, एक डिफरेंस हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द एरर. थर्ड वन इज द इनएक्यूरेसी ऑफ द मेथड ऑफ मेजरिंग द फ्रिक्वेंसी. जो सर्किट की हम फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं तो दैट मेजरमेंट मेथड कैन बी डिफर और दैट कैन बी लिटिल बिट इनएक्यूरेट, which again would cause an error in the quadrature slide wire standard current value. ये slide wire की value में कुछ current में differ हो सकती है value in phase potentiometer के comparison में. Next one is the inter capacitance, earth capacitance, mutual inductance effect are present in the slide wire coil and affect the potential gradient. Such type of effect are also present like the intercapacitance, earth capacitance, inductance, और ये हमारे affect करते हैं slide wire की coil को and affect the potential gradient है, वो affected होता है. Next thing is the presence of harmonics in the supply waveform.
जो हम सप्लाई दे रहे हैं अगर उसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं तो दैट क्रिएट द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट वाइल द पोटेंशियल बैलेंसेज ऑन द स्लाइड वायर आर डिपेंडेंट अपॉन द फंडामेंटल ओनली. इन दिस मैनर देयर कैन बी द सम कॉजेज ऑफ एरर इन सच टाइप ऑफ एसी पोटेंशियोमीटर एंड टू बी डन द एक्यूरेट मेजरमेंट वी शुड अवॉइड सच टाइप ऑफ एरर्स को हमको अवॉइड करना है. नाउ वी विल सी द सम एप्लीकेशन ऑफ द एसी पोटेंशियोमीटर. तो व्हाट कैन बी द डिफरेंट न्यूमेरियस एप्लीकेशंस हो सकती हैं. तो फ्यू ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड बिलो. फर्स्ट इज द वोल्टमीटर कैलिब्रेशन. जैसा कि हमने डीसी पोटेंशियोमीटर में भी स्टडी किया था, एसी पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली मेजर द लो वोल्टेजेस अप टू 1.5 वोल्ट. जो हमारा एसी पोटेंशियोमीटर है वो कम वोल्टेज को मेजर करता है. हायर वोल्टेज इज मेजर्ड बाय आइदर यूजिंग द वोल्ट रेशो बॉक्स और टू कैपेसिटर्स इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर. तो अगर हमें जो हाई वोल्टेज मेजर करनी है तो वो हम वोल्ट रेशो बॉक्स से और कुछ सीरीज में कैपेसिटर लगाकर मेजर करेंगे. तो वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन के लिए जैसे हम डीसी पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं उसी तरह से वी कैन ऑल्सो यूज द एसी पोटेंशियोमीटर्स. सेकेंड इज द अमीटर का कैलिब्रेशन. अगर हमको करना है जो मेजरमेंट ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट मे बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ नॉन इंडक्टिव स्टैंडर्ड रजिस्टर विद द पोटेंशियोमीटर. तो अमीटर का भी हम इससे कैलिब्रेशन कर सकते हैं. कुछ हम नॉन इंडक्टिव अगर रजिस्टर को यूज करें स्टैंडर्ड रजिस्टर को और उसके एक्रोस करंट और जो अमीटर करंट को शो कर रहा है दे शुड बी सेम. तो दैट कैन बी डन. वॉटमीटर और एनर्जी मीटर्स जो होते हैं उनका भी कैलिब्रेशन किया जा सकता है. जैसे कि ये भी लगभग जैसा वॉटमीटर का और एनर्जी मीटर का जिस तरह से डीसी मेजरमेंट में किया जाता है कैलिब्रेशन उसी तरह से यहाँ पर किया जाता है. द फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर टू वेरी द फेज ऑफ द वोल्टेज ऑन द करेंट. सो द वोल्टेज एंड करेंट मे वेरी एट डिफरेंट पावर फैक्टर्स. अलग अलग पावर फैक्टर्स पर हम फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर को यूज करके हम पावर फैक्टर को मेजर कर सकते हैं. एनर्जी मीटर और वॉटमीटर की टेस्टिंग की जा सकती है. सिमिलर मैनर मेजरमेंट ऑफ द सेल्फ रिएक्टेंट ऑफ ए कॉइल. अगर किसी कॉइल का सेल्फ रिएक्टेंस मेजर करना है तो इसके मेजरमेंट के लिए वी विल अडॉप्ट द स्ट्रेटेजी. इट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस, इट इज द कॉइल एंड That goes to the potentiometer. ये हमारा potentiometer को चला गया. अब हम क्या करते हैं कि two voltage measurements are done. One across the standard resistor. एक voltage तो हम standard resistor के across measure करते हैं and other across the coil. और दूसरी हम coil के across measure करते हैं. Supposing we are using a polar type of potentiometer and the reading are, किस तरह से हमारी रीडिंग होंगी, voltage across the standard resistor S, जो यहाँ पर हमें दिया हुआ इसके across voltage, so that will be the, done by potentiometer, that will be the Vs under Vs phase angle theta S. और कॉइल के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज आएगा दैट इज द वी जीरो और फेज थीटा जीरो. तो करंट थ्रू द कॉइल
कॉइल में करंट डेफिनेटली सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस एस एंड दिस कॉइल सो वी कैलकुलेट द करंट फॉर द कॉइल एंड दैट इज द वी एस अपॉन एस और फेज एंगल थीटा एस तो इंडक्टेंस दैट सेम करंट विल फ्लो थ्रू द कॉइल और सेम करंट ऑल्सो फ्लो थ्रू द स्टैंडर्ड रजिस्टर एंड कॉइल इम्पेडेंस ऑफ द कॉइल इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट इज द वी अपॉन आई तो वी इज द वी जीरो थीटा जीरो फेज एंगल एंड आई वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आई हेयर वी एस थीटा एस एस इज न्यूमरेटर तो इट विल बी द इम्पेडेंस ऑफ द कॉइल जेड विल बी द एस वी जीरो अपॉन वी एस एंड थीटा जीरो माइनस थीटा एस फेज एंगल देन रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल डेफिनेटली इफ आर रिएक्टिव कंपोनेंट और रेजिस्टिव कंपोनेंट बोथ आर प्रेजेंट देन द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल आर इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा जीरो माइनस थीटा एस एंड रिएक्टेंस इज द जेड साइन थीटा जीरो माइनस थीटा एस दैट इज द रिएक्टेंस बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड हेयर वी कैन कैलकुलेट द इस तरह से हमें रिएक्टेंस है वो कॉइल का मेजर किया जा सकता है नाउ देर कैन बी सम अदर एप्लीकेशंस एसी पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग मेजरमेंट इन विच द एक्यूरेसी ऑफ 0.5 to 1% इज एसेंशियल इट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट्स इन प्रिसाइज टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स तो इन दिस वे देर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ द एसी पोटेंशियोमीटर्स थैंक यू वेरी मच